अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? ठीक है, खैरियत से हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो हम कहते हैं कि वो आपको फार्मूला के जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करेगा किसी कंपाउंड में, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई हम मॉलिक्यूलर फार्मूला? द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। That shows the actual number of atoms in a compound is called मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, वो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला के जो किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता होगा, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें किसी भी, अगर हम बात करते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर लेते हैं, H2O2। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये वो फार्मूला है कि जो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, जैसे कि दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन। अगर मैं इसी का एम्पिरिकल फार्मूला राइट करता, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, अगर रिकॉल करें, हमने कहा था कि वो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला की जो हम कहते हैं कि एटम्स दरमियान सिंपलेस्ट पोल रेशो को शो करेगा। अब इसमें सिंपलेस्ट पोल रेशो क्या होगी? 1:1, यानी कि HO। ठीक है, तो HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ऊपर वाला फार्मूला केमिकल फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और जहां तक रिलेशन की बात है, इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, या मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जहां तक जो है रिलेशन की बात है, तो हमारे पास एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम एन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। यहां एन क्या है? इट कैन बी 1, 2, 3, 4 and up to 10। ठीक है, और अगर आपने एन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप करेंगे ये एन इक्वल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला था HO। ठीक है, अगर हमें N निकालना हो कि हम किस नंबर से इस जो केमिकल फार्मूला के अंदर मौजूद जो एलिमेंट की एटम से रेशो है, तो हम डिवाइड करें कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है,
तो कैसे निकालेंगे एन नंबर, हम करेंगे ये अगर आप इससे गौर करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैसे क्या होगा, दो हाइड्रोजन हैं, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं एटम्स के एटॉमिक मैसेज को सम करके, देर आर टू हाइड्रोजन एटम्स तो वन प्लस वन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर दो है तो 16 प्लस 16, ठीक है, तो 16 प्लस 16 क्या होगा 32 और 32 प्लस 2 क्या होगा 34, तो ये 34 है, 32 और 34, ठीक हो गया। अगर आप इंपीरिकल फॉर्मुला पे गौर करें, इंपीरिकल फॉर्मुला मैथ कैसे निकालते हैं, इंपीरिकल फॉर्मुला के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक मैसेज को सम करके, तो हाइड्रोजन 1 है ऑक्सीजन 16 है तो 16 प्लस 1 आपके पास कितना आता है 17, ठीक है। तो आप एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैथ डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ, यानी कि आपने अगर एन कैलकुलेट करना हो तो आप 34 को 17 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप सिंपल 2 को मल्टीप्लाई कर दो विद H4 विच इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट H2O2, जो कैसे गेट किया आपने बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद H4, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी आसान सी एग्जाम्पल थी कि किस तरह से आप लोग जो है क्या कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गेट कर सकते हैं और किस तरह से आप एन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तमाम बातें आई थिंक तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ चुकी होंगे। वी कैन टेक फर्दर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हम इन तमाम नंबर्स को जो कि है 6:12:6 से डिवाइड करेंगे यू गेट 1:2:1, ठीक है, यानी कि CH2O बनेगा विच इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। और बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं कि जिनका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जस्ट लाइक वाटर H2O, ठीक है, इसका इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, CO2 इसका इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, इस तरीके से SO3 इसका इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, इस तरीके से C12H22O11 जिसको सुक्रोज कहते हैं, शुगर जो आप यूज करते हैं, ठीक है, ये भी इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, और ये सब एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करती हैं इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड शो करेगा। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।